अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पैटीज। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं 700 ग्राम आलू। ये मैंने बॉईल करके तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखे थे ताकि इनका जो मॉइस्चराइज़र है वो ड्राई हो जाए। इसके अलावा ग्रेट की हुई इसमें 1 कप जाएगी मोज़रेला चीज़, 1/4 कप कटा हुआ प्याज, 1/4 कप शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/4 कप हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कॉर्न स्वीट्स, साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून ओरिगैनो, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर। सबसे पहले जो हमने आलू लिए हैं इनको हम कद्दूकश करेंगे। आप चाहें तो आप इन्हें मैश भी कर सकते हैं लेकिन कद्दूकश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तमाम को हम कद्दूकश करेंगे। बॉयल्ड आलू हैं तो बहुत जल्दी ये हो जाएंगे। इस तरीके से तमाम को हम करेंगे। तमाम आलूओं को ग्रेट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे चीज़ और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे ओरिगैनो, साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे नमक और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुटी लाल मिर्च और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे। साथ अब यहाँ पर हम एक और बाउल लेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह केचप भी ले सकते हैं, लेकिन हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं पैटीज तो उसमें हमें पिज़्ज़ा सॉस ही चाहिए। तो साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्याज भी और साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे कॉर्न स्वीट और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर साथ जो हमने पहले आलूओं का मिक्सचर सा बनाया था वो लेंगे और इस तरीके से आपने देख लेना है कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। और अब हम यहाँ पर जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की है वो ऐड करेंगे और अब हम साथ इसे इस तरीके से कवर करेंगे और थोड़ा सा जो है आप मिक्सचर ऊपर से ऐड करें और इस तरीके से अब मैं इसे बंद करूंगी। बाकी जो है वो भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। तमाम इस तरीके से बनाने के बाद हमने साथ ही एक पैन के अंदर ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको पिज़्ज़ा पैटीज इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें जितनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिज़्ज़े में इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे और आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। एक साइड फ्राई करने के बाद
अब हम इनकी जो साइज़ है वो चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी कुक करेंगे। अब हम इन्हें इस साइड से भी फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से फ्राई करने के बाद अब हम इन्हें निकाल लेंगे और बाकियों को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। बाकी तमाम भी हमने फ्राई कर लिए हैं। पिज़्ज़ा पैटीज़ बनके बिल्कुल तैयार हैं। हमने एंड पे ग्रेटेड चीज़ ऐड की है क्योंकि ये पिज़्ज़ा पैटीज़ हैं, चीज़ तो बनती हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई हैं। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our